और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि भारतीय पहलवानों को बड़ा झटका लगा है। एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग कुश्ती में ये सेटबैक भारत को मिला है। दुबई एयरपोर्ट पर भारत के पहलवान फंसे हैं। दुबई में भारी बारिश की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। भारतीय पहलवानों का ओलंपिक का रास्ता इन हालातों ने इस वक्त मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें कि क्वालिफायर के लिए किर्गिस्तान जा रहे थे भारतीय पहलवान दीपक और सुजीत, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से भारत के पहलवान सही वक्त पर नहीं पहुंच पाए। दीपक पुनिया और सुजीत को मौका नहीं मिला, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से जो अरेबियन कंट्रीज थी, खासतौर पर दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में किस तरह के हालात हुए थे। ज़बरदस्त आंधी तूफान ने सब कुछ रोक दिया था और इस भारी बारिश की वजह से खामियाजा भारत के पहलवानों को भुगतना पड़ा है। दुबई से एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें एयरपोर्ट पर पानी, रनवे पर पानी, बड़े बड़े मॉल्स में पानी घुस आया था, लोगों के घरों तक पानी घुस गया, सड़कें नदियां बन चुकी थी, गाड़ियां छत तक डूबी हुई हैं और उसी का ये सीधा सीधा असर है। भारतीय पहलवानों को बड़ा झटका लगा, एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग कुश्ती को ये झटका लगा है। दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए हैं भारतीय पहलवान मनोज जोशी। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज जी। भारतीय कुश्ती के लिए ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, किस तरीके से इसे देखें और आगे क्या कोई चांस इसमें मिलेगा, ऐसा कोई स्कोप है क्या? देखिए, 2 से 15 अप्रैल तक दागिस्तान एक जगह है रूस में, जो बिल्कुल उसकी वही स्थिति है जैसे भारत में कोल्हापुर की है या भारत में रोहतक या सोनीपत की है। पहलवानों की का एक गढ़ कहा जाता है, जहां से कई ओलंपिक चैंपियन और कई वर्ल्ड चैंपियन निकले हैं। वहां पर ये लोग तैयारी कर रहे थे, भारत के दोनों पहलवान दीपक पुनिया भी और सुजीत कलकल भी। दीपक पुनिया जो कि पिछले आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक खेलों में पदक के बहुत करीब पहुंचकर भी पदक नहीं जीत पाए थे, आखिरी 5 सेकंड की चूक इन्हें बहुत महंगी साबित हुई थी। लेकिन सुजीत कलकल बजरंग पुनिया के वजन में इन्होंने क्वालिफाई किया था, 65 किलोग्राम वजन में ये वहां से दुबई एयरपोर्ट पहुंचे। दुबई से इन्हें बिश्केक जाना था किर्गिस्तान के शहर में और वहाँ पर एशियन ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता का आयोजन आज से शुरू हो गया है और यहाँ 2 दिन पहले ही ये एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। 2 दिन ये फर्श पर लेटे रहे क्योंकि वहाँ कोई सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी, खाने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा उस वक्त पैसे भी नहीं थे। और उसके बाद जो है ये लोग वहाँ से दुबई जो भारतीय कुश्ती संघ तक ये खबर पहुँची और भारतीय खेल प्राधिकरण भी इसमें हरकत में आया, तो इनको इनकी आनन फानन में एक व्यवस्था की गई जो सुबह 4:45 बजे वहाँ से फ्लाइट चली दुबई से बिश्केक के लिए, जो कि किर्गिस्तान का शहर है वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और वहाँ ये 8:15 बजे इनकी लैंडिंग होती है और जो वजन होते हैं पहलवानों के अब सेम डे होते हैं, पहले एक दिन पहले हुआ करते थे लेकिन अब सेम डे होने की वजह से 8 से 8:30 बजे मुकर्रर किया गया था वजन, पहलवानों के वजन का समय। लेकिन ये लोग 8:15 बजे तो एयरपोर्ट पर ही पहुंचे और जब ये वहां पहुंचे आयोजन स्थल पर तो इनको मना कर दिया गया, इन्होंने कहा कि अब तो एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसा कि क्रिकेट वगैरह में हम देखते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी अगर है तो एक रिजर्व डे वगैरह कुछ रखा जाता है। अब ये तो जग जाहिर है कि हाँ नेचुरल कैलेमिटी है, दुबई में किस तरह के हालात हैं, तो क्या ऐसे में मतलब कुछ कोई लीनियंसी इनके साथ नहीं बरती जाती या बरती जानी चाहिए थी? देखिए, लीनियंसी ये तो आयोजकों के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की प्रतियोगिता है और वो इस तरह के मामलों में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतता। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसमें जो ड्रॉ है वो मैंने अभी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की साइट पर देखे जहां उनका नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन उनके अपोनेंट को वहां वॉकओवर भी लिखा हुआ है साथ में कि उनको हाथ के हाथ वॉकओवर दे दिया गया और वो क्वालिफिकेशन के बाद सीधा क्वार्टर फाइनल में लड़े और उनको लाभ मिला। और अब भारत के लिए अब मौका यही है कि जो 6 वजन के पहलवान भारत के फ्री स्टाइल में उतरे हैं उसमें 2 पहलवान भारत के भाग नहीं ले पाए और जो दोनों जो है पेरिस ओलंपिक के लिए प्रबल दावेदार थे चुने जाने को लेकर, अब लीनियंसी की जहां तक बात है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इस तरह की लीनियंसी बिल्कुल नहीं बरतता, लेकिन मैं समझता हूं कि ये भारतीय कुश्ती संघ या भारतीय खेल प्राधिकरण से भी चूक हुई है जो दुबई के रास्ते से उन्होंने भेजा उनको। जी आप रहिए, दीपक पुनिया के कोच ललित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, जो कुछ हुआ है भारतीय पहलवानों के साथ में वो किसी के हाथ में नहीं है, इसे प्राकृतिक आपदा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अब जब चांस नहीं मिल रहा है आगे तो इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप और क्या कोई मांग आप करेंगे? तो हमारा भी प्रोग्राम ये सोचा भी नहीं था, हम जो है जब पहले से हमारी प्लान थी कि दुबई स्टे करके और फिर हम वहाँ जो है 17 की सुबह पहुंच जाएंगे वहाँ बिश्केक में। हालांकि 16 तारीख को शाम को मेरी दीपक से जब बात हुई, दीपक ने ये कहा कि हम रात को फ्लाइट पकड़ लेंगे, ऑन टाइम है हमारी फ्लाइट। लेकिन फिर बाद में जब मुझे पता लगी अगले दिन 17 की सुबह फोन आया, मैंने पता किया तो वो कह रहे जी अभी तक नहीं उड़ी, यहाँ पे पानी पानी हो रहा पूरे एयरपोर्ट पे
और फ्लाइट कोई भी जा नहीं रही। फिर मैंने कहा अच्छा जैसे भी अपडेट हो हमें बताना, तो उन्होंने फिर कल किया, कल शाम को भी जी बिल्कुल फ्लाइट मिली थी एक, हमने सोचा भी वाया इंडिया के जो थ्रू हम बिश्केक जाने की कोशिश करें, तो क्या था कि हमने जो है इंडिया के जो है हमने कनेक्टिंग फ्लाइट सोची कराने की, तो लेकिन क्या वो यूं बताने लगे दीपक जब हम करने लगे तो सारी फ्लाइट लेट चल रही हैं। जो परसों इंडिया की फ्लाइट रात को चल रही थी, परसों जो है हमारी वो फ्लाइट, वो बता रहा अगले दिन यानी कल सुबेरे 18 तारीख को सुबेरे पहुंची इंडिया के, वहां से चली, वो कह रहा तो कनेक्टिंग फ्लाइट भी कराने कोई फायदा नहीं था क्योंकि यही नहीं पता था कि आगे फ्लाइट जाएगी नहीं जाएगी, कितनी देर से जाएगी कुछ पता नहीं था, तो इसलिए इस असमंजस में फिर हमने वहां से कराई। कल शाम को भी बात हुई तो वो कह रहा जी, फिर मेरी रात को बात हुई वो यूँ कह रहा जी फ्लाइट थोड़ा लेट हो जाएगी हमारी, हो सकता है मुश्किल हो जाएगी हमें पहुंचने में एक डेढ़ घंटा, तो वही हुआ जो है सुबह पता लगा उनके जो है एक डेढ़ घंटा लेट पहुंचे वो फ्लाइट थे। और जैसा कि आपने बताया मनोज जी, मैं हमारे क्रिकेट में तो ये रिजर्व डे होता है, पर हमारे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का ये रूल होता है उसमें कोई भी रिजर्व डे नहीं होता, इनका ड्राफ्ट पहले डल जाता क्योंकि एंट्री हम पहले भेज देते हैं कंट्री की, फिर वो उसके बाद उनका ड्राफ्ट डल जाता है। लेकिन उसके बाद जो है हमारे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई तुम्हारी रिजर्व डे पे करा देंगे, इस कारण जो है वो रह गए हैं। अब हमको वर्ल्ड जो ओलंपिक क्वालिफायर 9 से 11 टर्की में अगले नेक्स्ट मंथ, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा इन दोनों पहलवानों का। सर ललित जी, कोई भी चाहे वो खिलाड़ी हो, पहलवान हो, एथलीट हो या उनके कोच हो, बहुत मेहनत करते हैं किसी भी प्रतियोगिता के लिए, किसी भी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो निराशा होती है। निराश हैं आप कि एक ये चांस छूट गया आपके खिलाड़ी के हाथ से, क्योंकि मेहनत आपकी भी बहुत रही होगी, मेहनत दीपक की भी बहुत रही होगी। सर बस आप समझ लीजिए कि बहुत काफ़ी महीने से हम मेहनत में लगे हुए थे, क्योंकि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइम भी जो जो सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें भी दीपक पूनिया की इंजरी थी, इसलिए हमने खिलाया नहीं, हमने चलो कोई बात नहीं इंजरी पहले ठीक कर लें, उसके नी में इंजरी हो गई थी। उसके बाद जो हमें पूरी उम्मीद थी कि इसमें क्वालिफाई भी हो जाएगा, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि भाई क्योंकि जो एशिया के जो 3 रेसलर है ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के 86 kg में, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि भाई एशिया में हम क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है सर, अब इस परिस्थिति में बस यही कह सकते हैं कि गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम, आगे के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए आपका भी मनोज जी।